वहीं आज की एक और महत्वपूर्ण और बड़ी खबर सामने आई श्री गंगानगर से, जहां पर सीबीआई ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए रिश्वतखोरी के आरोप में सेना के 3 अधिकारियों और एक क्लर्क को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सीबीआई के शिकंजे में आए सेना के 4 अधिकारियों और एक क्लर्क को जोधपुर की सीबीआई अदालत में पेश किया गया। सीबीआई ने श्रीगंगानगर के साधुवाला छावनी से सेना के इन अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सीबीआई की कार्रवाई के वक्त इन अधिकारियों ने एक ठेकेदार से 60,000 रुपए की रिश्वत ली थी। 5 लोग पकड़े हैं। ठेकेदार ने सीबीआई के जोधपुर दफ्तर में शिकायत की थी कि 17 लाख रुपए के बकाए बिल के भुगतान के लिए सेना के एमईएस दफ्तर के अधिकारी रिश्वत मांग रहे हैं। इसके बाद सीबीआई ने जांच शुरू की। 4 दिन तक श्रीगंगानगर में डेरा डाले रखा। पहले रिश्वत की मांग की रिकॉर्डिंग की गई, फिर 5 लोगों को दबोचा गया। मैंने इसकी शिकायत सीबीआई जोधपुर को में की और उन्होंने आज एक एजी कॉन्ट्रैक्ट, एक एजी BNR 2 का जिसका नाम अनिल बेटगिरी, एक उसका जेई सिविल, एक एओ और एक हेतराम यूडीसी, इन सभी को मेरे हाथ से रुपए लेते हुए रेड एंड ट्रैप किया है। ठेकेदार का आरोप है कि सेना एमईएस दफ्तर भ्रष्टाचार का अड्डा है, उसे भुगतान के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़े, लेकिन चढ़ावे बगैर कोई रास्ता नहीं दिखा। वो कहते हैं कि पहले जो हमने पेमेंट की है आपके वर्क की, उसकी हमें पेमेंट दी जाए, जो कि इनके कमीशन परसेंटेज के हिसाब से है। मैं इनको ये पेमेंट देना नहीं चाहता था, क्योंकि इस एमईएस में भ्रष्टाचार पूरी तरह छाया हुआ है। सीबीआई की कार्रवाई से सेना के अधिकारी हैरान हैं। पहले तो उन्हें ये समझ नहीं आया कि आखिर सीबीआई इतने सुरक्षित इलाके में दाखिल कैसे हुई। इस बात को लेकर सीबीआई अधिकारियों से उनकी तल्ख बहस भी हुई, लेकिन बाद में मामला शांत हो गया। हरनेक सिंह, सी मीडिया, श्रीगंगानगर।